दोस्तों नेटफ्लिक्स के द्वारा रिलीज स्क्वाड गेम नाम की सीरीज ने पूरी दुनिया को ही हिलाकर रख दिया है। इसके क्रेज को हम इस बात से देख सकते हैं कि आजकल हर कोई इसी सीरीज की बातें कर रहा है और हमें विश्वास है यदि आपने इस सीरीज को देखा होगा तो आप भी इसके दीवाने हो गए होंगे। लेकिन शायद आप नहीं जानते होंगे कि इस शो को बनाने के लिए इन्होंने कितने पापड़ बेलने पड़े। इन चीजों को कैसे बनाया गया इस बात को जानने के लिए तैयार हो जाइए, क्योंकि जितना हैरान आपको इसके सीन ने किया है उससे कहीं ज्यादा इसके बिहाइंड सीन आपके होश उड़ा देंगे। टग ऑफ वार। इस शो में काफी सारी चीजें CGI यानी कि कंप्यूटर ग्राफिक इमेज का इस्तेमाल किया है, लेकिन आपको बता दें कि इस शो की अधिकतर चीजें असल में बनाकर तैयार की गई थी ताकि यह बिल्कुल असली लगे, और आउटडोर सीन को भी काफी परफेक्ट तरीके से बनाया गया है। जैसे कि आप टग वार के सीन को ही देख लें, चाहे देखने में यह काफी आम लग रहा हो वहीं ज्यादातर सीन ओरिजिनल थे, लेकिन इसे परफेक्ट लुक देने के लिए CGI का प्रयोग भी किया गया, लेकिन असली कमाल सेट का था जो कि परफेक्ट तरीके से डिजाइन किया गया था। डोम्स। यह काफी ज्यादा बड़ा एरिया है जहां 456 प्लेयर एक साथ रहते हैं, और शो के नजरिए से यह काफी ज्यादा जरूरी जगह भी थी क्योंकि यहां पर काफी सारी लड़ाइयां हम लोग देख सकते हैं और प्लेयर्स को यहीं से खेल के नियम भी पता चलते हैं। वो लोग अपना दिमाग लगाना शुरू करते हैं, जहां हम देख सकते हैं कि यह जगह सच में ही खास तरीके से डिजाइन की गई है ताकि दर्शकों में एक्साइटमेंट बना रहे। हिडन मैसेजेस। यदि हम फिल्म की क्रिएटिविटी को देखते हैं तो यह उसका सच में ही काफी अनोखा नमूना है, क्योंकि यह हर डिटेल को बड़ी ही बारीकी से तैयार किया गया है। जहां फिल्म में हम जितना आगे जाते हैं शो की क्रिएटिविटी निखरने लगती है, जैसा कि हम दीवार पर बनी पेंटिंग को ही देख सकते हैं। जब जब प्लेयर खेल से बाहर होते जाते हैं तो वो पेंटिंग साफ साफ दिखाई देने लगती हैं। आर्टिस्ट स्टेयर। दोस्तों आपने शो की कलरफुल सीढ़ियों को तो देखा ही होगा, क्योंकि इनका कॉन्सेप्ट तो काफी लाजवाब है जो हमें एक साथ कंफ्यूजन और एक्साइटमेंट देता है। असल में वो सीढ़ियां रियलिटिविटी आर्ट से इंस्पायर हैं, क्योंकि इन सीढ़ियों की जो ओरिजिनल तस्वीरें हैं वो MC एस्कर नामक एक डच आर्टिस्ट ने बनाया था, जिसे देखकर इस शो के कलाकार व दर्शक दोनों ही चौंक गए। जेनेट डॉल। अगर हम इस शो की डॉल की बात ना करें ऐसा तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि इस मूवी के कैरेक्टर से ज्यादा सुर्खियां इस डॉल ने ही बटोली हैं। वहीं इस डॉल में ये पावर होती है कि यह किसी को भी हिलते देखती है तो वह उसे इस गेम से बाहर फेंक सकती है। वहीं यह डॉल सच में भी मौजूद है, जहां हम इसे साउथ कोरिया के म्यूजियम एडवेंचर में देख सकते हैं, जिसे सिर्फ शो के लिए निकाला गया था और अब इसे वापस वहीं पर रख दिया गया है। मार्वल नॉस्टैल्जियो। दोस्तों इस अनोखे सेट को देखकर हम या आप ही नहीं, जबकि इसमें रोल करने वाले एक्टर ने इसे पहली बार देखा था तो वो भी काफी ज्यादा हैरान रह गए थे। और इसमें मौजूद इन घरों को देखते हैं तो इन्हें भी पहले ही बनाकर तैयार किया गया था ताकि एक्टर्स इस सेट में आते ही सच में इस बात का अनुभव कर सकें जैसा कि वो सच में एक गेम खेल रहे हों। इसी कारण वो लोग इस गेम से कनेक्ट हो पाए, क्योंकि यह सब चीजें आपको रियलिस्टिक तरीके से दिखाई देती हैं। लिटल। दोस्तों हम आपको पहले ही बता चुके हैं जैसा कि इस शो के डायरेक्टर इसे रियल दिखाना चाहते थे, जिसके चलते उन्होंने बहुत ही कम CGI का प्रयोग किया ताकि ऑडियंस उनके साथ अच्छे से कनेक्ट कर सके। इसी कारण स्क्वाड गेम टीम ने सोचा कि वो हर चीज को अपने हाथों से तैयार करें ताकि दर्शकों को पूरी फील मिल सके। लेकिन इसके पीछे के सेट को यदि हम देखते हैं तो हम इस बात का अंदाजा लगा पाएंगे कि किस लेवल का सेट उन लोगों ने तैयार किया था। आपको बता दें कि इस शो को सिर्फ एक शहर में फिल्माया गया था। टाइजोन नाम के जिस कोरियन शहर ने इसकी शूटिंग हुई थी वहाँ काफी सारी साउथ कोरियन फिल्में शूट की जाती हैं, और अब यह शहर स्क्वाड गेम का भी घर बन चुका है, जहाँ आपको नए नए सीजन शूट होते देख पाएंगे जो शायद आने वाले टाइम में और भी ज्यादा तहलका मचाएं, क्योंकि अभी तो शुरुआत ही हुई है। कुछ ही दिनों पहले रिलीज हुई इस शो ने इतनी ज्यादा सुर्खियां बटोर ली हैं, जिसके आने वाले शो के बारे में लोग अभी से अंदाजा लगाने लगे हैं। इस शो की स्टोरी काफी ज्यादा खास है, लेकिन हम इसके सेट को नजरअंदाज नहीं कर सकते। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा, और क्या आपने अभी तक स्क्वाड गेम सीरीज को देखा है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि हम आपके लिए लाते हैं हर रोज एक नई इंटरेस्टिंग वीडियो। तो दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में।